वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही पर सीएम का बयान सामने आया, कहा कि कई विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो विपक्ष को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। जिन भी मुद्दों पर बात हुई है हमने सभी का जवाब दिया है, तर्क के साथ बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 गारंटियों को 1 साल में पूरा किया है और बाकी की गारंटी अभी जल्दी पूरी करेंगे। और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं तो उसमें वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्होंने पूछना होता है वो उनका छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है हमने उसका, सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिया है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होने चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है तो वो चर्चा ले आते हैं, जनरल किसी और की। इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए और जहां अमेंडमेंट लाया जा सकती है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। सर, इस चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं, काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको भी चर्चा पर लगाया, तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें